वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लिसिटी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नायका हॉल, क्योंकि नायका पे ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है पूजा सेल, मतलब फेस्टिवल जो सेल नायका पे स्टार्ट होती है वो स्टार्ट हो गई है और वहाँ पे अप टू 40% तक डिस्काउंट मिल रही है ज़्यादातर ब्रांड की, मतलब वेट एंड वाइल्ड हो, मेबलिन हो, लैक्मी हो, हर किसी ब्रांड, मतलब अच्छी अच्छी ब्रांड के ऊपर 40% तक डिस्काउंट चल रहे हैं, मतलब अप टू 40% नॉट फ्लैट 40%। तो मतलब एक एक ब्रांड में एक एक डिस्काउंट आपको मिल जाएगी और बहुत ही गुड डील हो रही है वहाँ पे। सो आप ज़रूर जाइए नायका की एप्स पे और जाके चेकआउट कीजिए। आपको जो जो चीज़ पसंद आती है वो चीज़ आप ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि ये डील मस्ट बाई है। एंड फेस्टिवल के टाइम में हम सभी को कुछ ना कुछ मतलब लेने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो चाहे स्किन केयर हो, मेकअप हो, या फिर हेयर स्टाइलिंग किट हो, कुछ भी हो हम ग्रैब करना चाहते हैं, और वो भी अच्छी खासी डिस्काउंट पे जो कि चल रही है नायका पे। सो आप जाइए उनकी ऐप चेक कीजिए। और मैं आज एक मिनी नायका हॉल शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो। पर वीडियो में जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेक श्योर आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हम जंप करते हैं हमारी वीडियो के ऊपर, लेट्स गो। सो गाइस, मेरी जो नायका की प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे रिसीव हुई है ये दो बॉक्सेस में, मतलब प्रोडक्ट तो कम थी पर मतलब उन लोगों ने मुझे दो अलग अलग बॉक्सेस में प्रोडक्ट सेंड किए हैं। सब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, चलिए देख लेते हैं। ओके, सो जो प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट लिए हैं वो है ये बायोटिक की सीरम। ये मैं बहुत दिनों तक से लेना चाह रही थी क्योंकि इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी रिव्यूज मैंने देखी है और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है ये, मैंने यूट्यूब पे देखी है। पर जब मैंने इसे खरीदी थी, मतलब ये तो इसकी आउटर पैकेजिंग है, पर जब इसे मैंने फर्स्ट ओपन की थी और इसकी जो इनर पैकेजिंग मैंने देखी कि कितना छोटा सा बॉटल है, कितना छोटा, मतलब देख ही सकते हो आप, बहुत ही छोटी सी है ये। पर ये है बहुत ही काफी ज्यादा इफेक्टिव चीज और मतलब बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। और बायोटिक की जो पैकेजिंग होती है वो तो हमेशा से मुझे तो बहुत ही पसंद है, क्योंकि बहुत ही स्टडी पैकेजिंग होती है, बिल्कुल भी फ्लिमसी नहीं होती। इसकी आप बॉडी देख लीजिए, कैप देख लीजिए, बहुत सी मतलब बहुत ज़्यादा टाइट होती है एंड बहुत ही स्टडी होती है पैकेजिंग। आप लोग कह ही सकते हो क्योंकि मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, फर्स्ट पैकेजिंग की बात कर रही हूँ। मेरे ख्याल से पैकेजिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो या घर में भी इसे रख रहे हो, तभी भी पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर पैकेजिंग फ्लिमसी हो तो वो टूट सकती है, मतलब गिर के बिखर सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब डैमेज हो सकती है प्रोडक्ट। तो अब हम बात करेंगे इसके प्रोडक्ट को लेके। इसकी जो प्रोडक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करती है, उसके साथ साथ मॉइस्चराइज भी करती है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी कई मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही माइल्ड है। आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी तरह से और कितनी जल्दी ये आपके स्किन के अंदर मतलब अब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब आप रब करने के साथ साथ ही ये आपकी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। इसको मैंने मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसे मैंने मेनली लिया है मेरी मेकअप की बिनीत अप्लाई करने के लिए। और ये जितनी अच्छी प्रोडक्ट है उसके अमाउंट में इसकी जो अमाउंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। इसकी ओरिजिनल प्राइस है 230 रुपीज़, पर ये भी मुझे अप्रॉक्स 173 में पड़ गई थी, तो काफ़ी अच्छी डील थी। ओके, सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, और जो मेबलिन की फिट मी फाउंडेशन, मेबलिन फिट मी पोरलेस फाउंडेशन, जो कि मैट पोरलेस फाउंडेशन है, जो कि ऑयली स्किन पीपल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ड्राई स्किन पीपल भी इसे यूज़ कर सकते हैं, पर बीनीत एक अच्छी मॉइस्चराइजर और प्राइमर यूज़ करके उसके ऊपर इसे अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेरे स्किन टोन से कुछ डार्क शेड है, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, किसी और फ्रेंड के लिए है, तो इसीलिए। और इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 500 रुपीज़। ये भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की तो मतलब अलग तरीके से डिटेल्स देने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी काफ़ी सारे रिव्यूज़ एंड डिटेल्स आप लोग ऑलरेडी यूट्यूब में देख चुके हो। सो या ये मेरी सेकेंड प्रोडक्ट है। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये वेगा का कॉटन पैड। कॉटन पैड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम की होती है, आपके रेगुलर लाइफ में हो या फिर आप जब मेकअप कर रहे हो, जब टोनर लगा रहे हो, काफ़ी कुछ चीज़ के लिए हमें कॉटन बॉल्स या कॉटन पैड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मुझे पर्सनली मैं कॉटन बॉल्स यूज़ करना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, कॉटन पैड यूज़ करना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने ये वेगा की कॉटन पैड्स परचेज की है। और इसकी ओरिजिनल प्राइस है 110 रुपीज़। ये भी काफ़ी अच्छी है और इसमें 50 पीस कॉटन पैड्स है और ये पैड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ये सुपर सॉफ्ट है, ड्यूअल टेक्सचर है, मतलब आप दोनों साइड की हेल्प से ही अच्छी तरह से अपनी मेकअप रिमूव या फिर टोनर दोनों की काम ही कर सकते हो। और इसमें और भी सारे सारे बहुत ही अच्छी
क्वालिटीज लिखी हुई है इस पैक के अंदर. सो या ये भी काफ़ी अच्छी डील में मिली थी और ये मुझे अप्रॉक्स 88 रुपीस में मिल गई थी. सो ओके, सो मैंने नेक्स्ट जो प्रोडक्ट खरीदी है वो है गोदरेज एक्सपर्ट रिच हेयर क्रीम कलर. और यहाँ पे जो मैंने जो शेड लिया है वो है बर्गंडी और इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं थी. ये वैसे तो 30 रुपीस की है सो इसमें मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिली पर उससे मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे लेनी थी. और मेरी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेबलिन की आईब्रो पेंसिल. और डोंट माइंड प्लीज़ आई एम सॉरी टू से क्योंकि मैंने इसका जो आउटर कवर है उसे फेंक दी है ऑलरेडी और इसके आउटर कवर में ही इसकी सारी जो डिटेल्स है मतलब ये कब मैन्युफैक्चर हुआ है कितने दिन तक इसके एक्सपायरी डेट है सब कुछ वो आउटर कवर में ही लिखा हुआ है. और मेरी जो शेड है वो है ग्रे मतलब डार्क ग्रे में दोनों शेड अवेलेबल है. एक है डार्क ग्रे और दूसरी है ब्राउन. ये दोनों शेड इस रेंज में आपको मिलती है अवेलेबल है और दोनों ही शेड नायका पे मिलती है. और ये देख सकते हो आप ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी नहीं है काफ़ी ज़्यादा मतलब मैट भी नहीं है बिल्कुल बिटवीन टेक्सचर में है थोड़ी सी वैक्सी थोड़ी सी क्रीमी और ये लिटिल बिट अच्छी पिगमेंटेड है मतलब मेबलिन की जो डुअर शेपर है उससे काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है. तो मैंने इसी की मदद से मेरी आईब्रो फिलिंग की है. सो मुझे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी लगी है मतलब इस जो प्राइस रेंज है इसके 150 उस प्राइस रेंज में एक डी मतलब ठीक ठाक परफेक्ट चीज़ है ये. ओके, सो जो मेरी लास्ट प्रोडक्ट है इस हॉल में वो है ये वेगा की आईलैश कर्लर जो कि एक अनदर बहुत ही यूजफुल चीज़ है. मुझे लगती है फेस्टिव सीजन में जब आप मतलब जो लोग फॉल्सीज लगाना पसंद नहीं करते और सिर्फ मस्कारा लगा रहे हो उनके लिए तो ये कर्लर बहुत ही अच्छी काम देती है. जैसे कि मैं क्योंकि मुझे आईलैश मतलब फेक लैशेस लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं इसकी मदद से अपनी आईलैश को अच्छी तरह से कर्ल करके देन मस्कारा अप्लाई करूँगी. और इसकी जो रिव्यूज़ है वो मुझे जो मैंने नायका के साइट में देखी थी वो बहुत ही अच्छी थी और इसकी मैंने रिव्यूज़ भी देखी है ये भी काफ़ी अच्छी और डिसेंट प्रोडक्ट है. और इसकी जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 120 है और ये भी मुझे 99 या ऐसे कुछ प्राइस में मिली थी और ये भी बहुत ही अच्छी स्टील वाई है. सो या ये थी मेरी लास्ट प्रोडक्ट. सो गाइस आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो और हेल्पफुल भी लगी हो. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना शेयर करना भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग इस फेस्टिव सीजन में बहुत ही अच्छी ऑफर्स के साथ बहुत ही अच्छी तरह से शॉपिंग करना चाहते हैं उनके साथ. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. सब्सक्राइब करने के लिए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए जो कि है इस वीडियो के ठीक लेफ्ट साइड में और उसके साइड में जो छोटे से बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दीजिए ताकि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो से सबसे पहले नोटिफाइड रह सको. और ये सारी प्रोडक्ट की लिंक और जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना. हमें सोशल मीडियाज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना. सोशल मीडियाज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. बताइए बाय बाय.